हे गाइस, वेलकम एवरीवन इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रोटेशन। तो ये 9th क्लास में आपका ग्रेविटेशन के सेकंड पार्ट में ही आता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका नाम फ्लोटेशन बोला है, ठीक है। तो क्योंकि ये फ्लोटेशन से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोटेशन पे। सबसे पहले जो टर्म आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। तो पहले इसको जानने से पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, जिसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट है। पी से हम प्रेशर को बोलेंगे, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल, एसआई यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पास्कल बोलते हैं प्रेशर को, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे आप किसी बॉडी पे, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा किसी बॉडी का एरिया होगा, उतना ज़्यादा उस बॉडी पे, उतना कम उस बॉडी पे प्रेशर लगेगा। मतलब फोर्स से प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब फोर्स बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, एरिया बढ़ा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया पे, एक तो फोर्स पे, ठीक है। ये तो बात हो गई प्रेशर की। अब थ्रस्ट क्या है? जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, फॉर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर लगता है फॉर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही है। तो पी इज इक्वल्स टू थ्रस्ट बाई एरिया भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट बाई एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस पता हो गया होगा। प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। थ्रस्ट इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, ठीक है। थ्रस्ट इज द फोर्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ टर्म्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजली, व्हाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1,000 टन रेस्ट अपॉन ए कंटिन्यूस चेन, व्हाई ए ट्रक और अ मोटर बस हैज मच वाइडर टायर्स, व्हाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस। In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helped to introduce the concept of the net force in a particular direction. ठीक है, thrust, net force in a particular direction, and the force per unit area is pressure. Force per unit area is pressure. Force in a particular direction. ठीक है, वो होता है थ्रस्ट, फोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल है। सिचुएशन वन, वी विश टू फिक्स अ पोस्टर ऑन अ बुलेटिन बोर्ड एज शोन इन फिगर 110.03। टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस रॉन्ग पिन्स विथ योर थंब, यू अप्लाई ए फोर्स ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एरिया ऑफ द बोर्ड, ठीक है। एंड द फोर्स एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं कि सिचुएशन टू बोली गई है। यू स्टैंड ऑन अ लूज स्टैंड, योर फीट गो डीप इन टू द स्टैंड, नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो टू दैट डीप इन द सैंड, इन बोथ केसेज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज वेट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। यहाँ पर चीज़ बोली गई है कि पहले केस में आपने जो फोर्स लगाया है, ठीक है, उस पिन को, ड्रॉइंग पिन को उस बुलेटिन बोर्ड में लगाने के लिए, ठीक है, दैट इज द फोर्स। मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर उस पर ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पर आप एरिया, पहले तो फीट था केवल, पहले क्या था, फीट था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपकी पूरी बॉडी लेट गई, आपकी पूरी बॉडी लेट गई, तो इसका एरिया बढ़ गया,
पहले आप खड़े थे, फिर उसके बाद एरिया बढ़ गया। मतलब फोर्स प्रेशर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स और एरिया। अब थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक ऐसी फोर्स है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। जैसे कि पहले एग्जांपल में जिसमें बुलेटिन बोर्ड था उसमें परपेंडिकुलर लग रही है, तो दैट इज थ्रस्ट, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने वेट के बारे में बोला, एक बंदा खड़ा है उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, mg। तो वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्या है? इसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन क्या है वेट का? स्पेसिफाइड है। तो ये एक थ्रस्ट हो गया, ये एक थ्रस्ट हो गया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकुलरली डाउनवर्ड। हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द सैंड। ये पूरा सैंड है, ठीक है, इस पर आपका वेट कैसा लग रहा है? एम जी, नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई भी फोर्स लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। वेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड द फोर्स दैट इज वेट ऑफ ए बॉडी इज एक्टिंग एन एरिया इक्वल टू द फीट, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। एंड द फॉर्मूला कम्स टू थ्रस्ट बाई एरिया, एंड यूनिट आप बोल सकते हो पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है, एंड यू विल बी इजिली अंडरस्टूड बाई दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डज द स्मॉलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एग्जर्ट अ लार्ज प्रेशर, एंड द स्मॉलर प्रेशर ऑन अ लार्ज एरिया, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई ए नेल हैज अ पॉइंटेड टिप, नाइफ्स हैव शार्प एजेस एंड बिल्डिंग हैव वाइड फाउंटेन्स। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, अब फ्लूइड्स को जानने से पहले फ्लूइड्स के बारे में जान लीजिए। व्हाट इज फ्लूइड्स? फ्लूइड्स आर द दैट विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो, फ्लूइड्स आर दोज विच कैन फ्लो। तो आपका लिक्विड और गैस बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड्स। उसके बाद प्लाज्मा वगैरह भी आप देखोगे, ठीक है, स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ फ्लूइड्स क्या है? लिक्विड और गैस दोनों फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं आप, द सॉलिड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, सिमिलरली फ्लूइड हैज वेट। जिसके पास भी वेट है वो फोर्स लगाएगा, ठीक है, और वो फोर्स लगाएगा तो वो एरिया भी, ये मतलब प्रेशर भी बनाएगा। एंड दे ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज्ड। प्रेशर एग्जर्टेड इन एनी कंटेंट मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ कहने का मतलब है कि जो फ्लूइड होता है, ये एक आपका बकेट है जिसमें पूरा वाटर फिल्ड अप है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी बॉडी है, यहाँ मान चलिए कोई बॉल है, तो इस बॉल पे नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, चारों तरफ से इक्वल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, चारों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगेगा। फ्लूइड्स की ऐसी टेंडेंसी होती है, ठीक है। और जब कोई बॉडी आपकी किसी कंटेनर में है, ठीक है, किसी लिक्विड का देखिए ऐसा है कि जितना फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड्स हैं वो किसी भी बॉडी में, फ्लूइड में, फ्लूइड के अंदर किसी भी बॉडी पे इक्वल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन लगाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं ब्योंसी पे। ब्योंसी को हम कह सकते हैं अपथ्रस्ट भी, ठीक है, अपथ्रस्ट भी हम कहते हैं ब्योंसी को, ठीक है। हैव यू ever had a swim in the pool and felt lighter? ऐसा हुआ है कि हम जो भी चीज़ आपको भारी लगती है आप उसको पानी के अंदर उठाइए, वो हल्की लगेगी आपको, ठीक है। अब इसका रीज़न बताता हूँ, इसका रीज़न ही ब्योंसी है या अपथ्रस्ट है। Have you ever drawn water from a well and felt that the bucket of water is heavier when it is out? जब बाल्टी बाहर होती है तो वो भारी लगती है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाती है वो हल्की हो जाती है, ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ खींचना है,
लेकिन जैसे हम खींचते हैं ऊपर, जैसे पानी के बाहर आता है वो भारी लगना, भारी होना चालू हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन द सी वाटर बट वेदर द सेम अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील इन द फॉर्म ऑफ अ शीट वुड सिंक? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाई टेकिंग बियॉन्सी इन कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसका कारण ही बियॉन्सी है। बियॉन्सी, चलिए देखते हैं क्या होता है। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो द बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड्स बट द वॉटर एग्जर्ट्स अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड्स। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने बोला है कि वेट क्या होता है, W इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, मास कॉन्स्टेंट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे वेट डिपेंड करता है। वेन द बॉटल इज इमर्ज द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाई द वॉटर ऑन द बॉटल इज ग्रेटर दैन इट्स वेट देयर फोर इट राइजेस अप वेन रिलीज। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि जब भी आप बाल्टी में हैं, बाल्टी में एक मग रखिए, उस मग को नीचे की तरफ दबाइए, उस मग को नीचे की तरफ दबाइए और जितने फोर्स से आपने उस मग को नीचे दबाया है उतने ही फोर्स से वो ऊपर आता है, उतने ही फोर्स से वो ऊपर आएगा, क्योंकि आपने जितना फोर्स नीचे की तरफ लगाया है जैसे आप उस फोर्स को रिलीज़ करोगे वो इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी, इक्विलिब्रियम में जिस कंडीशन में वो सेटल हो सके। और बियॉन्सी क्या कहता है कि नीचे से जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं बियॉन्सी या अप थ्रस्ट। ऊपर से नीचे से जो फोर्स लगेगी अप थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो थ्रस्ट लगेगा वो होता है बियॉन्सी। टू कीप द बॉटल कंप्लीटली इमर्ज द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू द वॉटर मस्ट बी बैलेंस्ड दिस कैन बी अचीव बाई एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड दिस फोर्स मस्ट बी एटलीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। ठीक है, तो ये बियॉन्सी आपके डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे चीज़ कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। तो पहली बात यहाँ, जैसे कि मैंने कहा डेंसिटी की बात, ठीक है, द नेल सिंक्स द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन पुल्स इट डाउनवर्ड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका एरिया कम होता है, नेल का क्या होता है, एरिया कम होता है। देयर इज एन अप थ्रस्ट ऑफ द वॉटर ऑन द नेल विच पुशेस इट अपवर्ड बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट ऑफ द नेल। तो जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा एक कॉर्क, एक रखा मैंने नेल, ठीक है, और एक रखी रुई। ठीक है, तीनों कंडीशन बताता हूँ, एक पूरा इमर्स हो जाता है, एक पूरा तैरता है ऊपर पानी के, और एक जो है वो आधा पानी में डूबा रहता है और आधा ऊपर की तरफ तैरता है। तो इसका जो अब थ्रस्ट है, ठीक है, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है नीचे की तरफ वो ज़्यादा है, अब थ्रस्ट से ज़्यादा है, तो इसलिए वो डूब जाता है। इसका अब थ्रस्ट ज़्यादा है और इस पर लगने वाली वेट कम है इसलिए वो तैरता रहता है, और इसका अब थ्रस्ट और इसकी ग्रेविटेशनल पुल बॉडी का इक्वल है इसलिए वो आधा तैरता रहता है और आधा डूबा रहता है। ठीक है, बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट ऑफ द नेल सो इट सिंक्स। द कॉर्क floats while the nail sinks. This happens because of difference in the density. The density of a substance is defined as the mass per unit volume. Density of substance पर भी depend करता है, density कैसा है उसके mass में, उस mass में कितना volume of substance है। The density of the cork is less than the density of water. ये भी एक reason है, density of nail is more than the density of water, इसलिए वो डूब जाता है। ठीक है, density of cork is less than the density of water, इसलिए वो तैरता रहता है, और डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस का इक्वल होगा तो आधा डूबा रहेगा और आधा तैरता रहेगा, और जितना वो अंदर जाता है
अगर किसी बॉडी को आप एक बकेट ले लीजिए, उसमें मग को दबाइए, तो जितना आप दबाओगे पानी देखोगे उतना ऊपर आएगा, पानी उतना ऊपर आता जाएगा, ठीक है? तो क्या होता है, वो जो सब्सटेंस होता है वो पानी को डिस्प्लेस करता है अपनी तरफ से, पानी को डिस्प्लेस करता है, जिससे कि पानी हर तरफ प्रेशर लगाता है और वो हर डायरेक्शन में फैल जाता है, ठीक है? डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस मीन दैट द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल, सो इट सिंक्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी देख ली, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड सिंक्स इन द लिक्विड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, और एरिया कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, और ब्योंसी किसे कहते हैं या फिर अब थ्रस्ट। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, बैग ले लीजिए, बैग के स्ट्रैप वाइडर बनाए जाते हैं, ठीक है? और उसको हम ले जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अगर उसको आप थोड़ा पतला कर लीजिए तो आप छोटा भी वेट अगर डालेंगे अपने बैग पर तो आपके कंधे दर्द करने लगेंगे, ठीक है? जो बाइक आप लेके चलते हो उस बाइक को आप सैंड में लेके चलो, उसको पंचर कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद सैंड में लेके चलिए, अच्छे से ले जा पाएंगे आप, क्योंकि उसका जो वाइडर है एरिया, जो टायर का एरिया है वो बढ़ जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है? सो आई एम क्लियर दैट कि आई हैव मेड यू क्लियर अबाउट द टर्म प्रेशर, थ्रस्ट, एरिया एंड ब्योंसी। नेक्स्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ये थियरी आर्किमिडीज सर ने लाया था, और उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो अब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।